यंग हो क्या होगा बात नहीं। सबसे पहले इंडिकेटर क्या पूछेगा आपसे, व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर इंडिकेट्स वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। जिस तरह से हमारे बोर्ड में लगा हुआ इंडिकेटर भले खराब है लेकिन वो इंडिकेटर इंडिकेट करता लाइट है या नहीं है ना, उस तरह से इंडिकेटर जो आपका यहाँ होगा वो बहुत सारे डाई से मिलकर के बना। डाई मीन्स क्या होता है? कलर, अलग अलग रंगों से मिलकर के बना है, जिसका काम ये होता है कि इंडिकेट करना कोई गिवन सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। देखो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर इज ए डाई, इंडिकेटर इज ए डाई, इंडिकेटर इज ए डाई, डी वाई ई डाई, दैट इंडिकेट्स whether the given substance, that indicates whether the given substance is acidic, whether the given substance is acidic or basic. इस इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंडिकेट करेगा कि कोई दिया गया सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, ध्यान में हो क्या हो रहे हैं आप? इन सबों का अपना अपना नेचुरल कलर है। रेड लिटमस एज लिटमस पेपर का एक्चुअल कलर था पर्पल। लिटमस का एक्चुअल कलर क्या होता है? पर्पल। इस दोनों का एक्चुअल कलर है पर्पल, बट शांत रहोगे, लिटमस का एक्चुअल कलर होता है पर्पल बट हम लोग रेड और ब्लू बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पर्पल कलर को आप इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और रेड और ब्लू को हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए रेड और ब्लू कलर में ही इसको ट्रीट करते हैं। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस, बोलना है व्हाट? पर्पल। इसे कहां से प्राप्त करते हैं? तो प्लांट से। नाम किया उसका लाइकेन, नीचे ने पढ़ना है लाइकेन, लाइकेन पढ़ते हैं इसको LICHEN, ठीक है, लाइकेन प्लांट से। ठीक है, चलिए उसके बाद टर्मेरिक। इन सब का ओरिजिनल कलर मतलब जो एक्चुअल फॉर्म में पाया जाएगा वो टर्मेरिक। एसिड में डालेंगे अगर हम लोग तो क्या चेंज होगा? एसिड में रेड लिटमस रेड ही रहेगा, नो चेंजिंग। अगर आप ब्लू लिटमस को डालोगे बेस में नो चेंज, लिख दिया नो चेंज मतलब जो है वही रहेगा। यहाँ पर टर्मेरिक का एक्चुअल कलर येलो है, एसिडिक में नो चेंजिंग, बेसिक में क्या हो गया? रेड इज ब्राउन। ठीक है, नो चेंजिंग का मतलब कलर में कोई चेंज नहीं आना। कलरलेस होता है कौन सा कलर? फेनोलेफ्थ्रिन का। ये आपका मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज ये दोनों आपका क्या है? सिंथेटिक है, मतलब लेबोरेटरी में बनाया गया इसको। ये सब नेचुरल है, ये भी नेचुरल ही है, बट नाम पड़ा इसका ऑल्फैक्ट्री, और व्यक्ति मतलब जो सेंस टू स्मेल हो, मींस उसको स्मेल के तहत आप मालूम करेंगे सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, इन सबको याद करना आसान है, याद कर लोगे, जैसे याद करना पड़ेगा इसको। इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछेगा, आप बस इस दो चीज को याद कीजिए, भाई कुछ नहीं, ये दो ही से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट में इस दोनों को कहेंगे हम, बाकी इसको इंपोर्टेंट नहीं है, ये दोनों से ही क्वेश्चन एग्जाम में आता जब भी आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मिथाइल या तो गाते किसको है? अगर स्विफ्ट पेन का मिथाइल, व्हाट डज इट मीन? मिथेन का नाम सुने हो ना? मिथेन का नाम सब सुने हो, CH4 होता है। अगर CH4 अपना एक H छोड़ दे तो बन जाएगा CH3, इसी को कहते हैं मिथाइल। ठीक है, CH4 मिथेन है, एक H लॉस कर दिया, क्या बन गया? मिथाइल। ठीक है बेटा, इसको हाँ, ये दोनों सोल्यूशन के फॉर्म में है, लिक्विड है मिथाइल, उसमें यूज का एक कंपोनेंट वहां मिथाइल भी होता है। फिर CH3 मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का एक कॉम्बिनेशन होता है CH3। हो गया ना, डाले इसको। देखो बहुत कुछ इसमें आप लोग एक्स्ट्रा भी सीखिएगा जो आपको नहीं पढ़ना, लेकिन कंसेप्ट को वही क्लियर करेगा। हाँ, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में डिस्कस नहीं किया, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में डिस्कस नहीं किया मैंने, इसको भी ध्यान से समझोगे ऐसे, इसको आपको सबसे आखिरी में पढ़ना है, जब एसिड बेस खत्म हो जाएगा तो इसका शुरुआत होगा। पीएच स्केल नाम आप सुनते होंगे, पीएच स्केल क्या है? आगे पढ़ोगे, अभी बस शॉर्ट बोल रहे हैं। पीएच स्केल भी यूनिवर्सल इंडिकेटर ही है। ये क्या होता है? तो क्या होता है, ये आपका बहुत सारे डाई का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ डाइज, बहुत सारे रंगों का होता है मिश्रण।
अभी जितना भी तो लोग ध्यान से बोल रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अभी जितना भी पढ़ा है आपको इंडिकेटर, बस वो इतना ही मालूम किया कि कोई एसिडिक कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन ये ऐसा इंडिकेटर है जो इंडिकेट करने के साथ साथ उसके स्ट्रेंथ को ही मापता है, मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच स्केल की बात करेंगे, इट इज दैट इंडिकेटर विच नॉट ओनली डिटेक्ट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बट इट ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ, उसका ताकत क्या, उसका स्ट्रेंथ क्या है, अगर एसिडिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेसिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक है, उसको मापने का भी काम करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड आपका है कलर पर, तो ये बहुत सारे रंगों का मिश्रण है, तो आप देखिएगा यहाँ पर ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, यहाँ अलग अलग रंग है, जो एकदम डीप है वो समझ जाओ हाईली एसिडिक, जो एकदम आपका ब्लू है वो हाईली बेस्ड स्ट्रॉन्ग बेस्ड, अलग अलग रंग जो है वो आपको इंडिकेट करेगा उसके स्ट्रेंथ, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये आपका सिर्फ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक उसको चेक नहीं करता है, उसके साथ ही साथ यह भी चेक करता है उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत क्या है, इसीलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर वाई यूनिवर्सल इंडिकेटर क्वेश्चन मान लो, जिसको हम बना रहे हैं क्वेश्चन उसको क्वेश्चन में मान के चलो एग्जाम के लिए, ठीक है। वाई यूनिवर्सल इंडिकेटर इज बेस्ट अमंग ऑल, वाई यूनिवर्सल इंडिकेटर इज बेस्ट अमंग ऑल, इन सारे इंडिकेटर में सबसे बेस्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्यों सबको से कर लोगे ना, क्योंकि यह स्ट्रेंथ को मापने का भी काम करेगा एसिड बेस को चेक करने के अलावा, क्योंकि ये बहुत सारे कलर का मिश्रण होता है, हर एक कलर इसके पास होकर होता है। चलिए अगर हो गया बात में शांत रहोगे, अब देखो एसिड का जो मेन टॉपिक है उसमें कुछ पॉइंट तो रटना ही आपको है, जैसे हम सब जानते हैं कि एसिड आर फॉर इन टेस्ट, एसिड आर फॉर इन टेस्ट जानते हो ना, ये सब पढ़े हो क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, एसिड प्रोड्यूसेस व्हाट टाइप ऑफ आयन, एच प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन जिसका सिंबल क्या होगा H3O+, ओनली इन वाटर, ओनली इन वाटर, यहाँ एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि आपने किसी रिएक्शन में आपको मिला HCl गैस, किसी रिएक्शन में क्या मिला HCl गैस, और उस HCl गैस जिस भी ट्यूब से निकल रहा है उस ट्यूब के सामने आपने ला करके खड़ा कर दिया लिटमस पेपर को, क्या उसका कलर चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा, चूंकि सुनो ना ये मान लो बाबू किसी बीकर में, शांत रहोगे, किसी बीकर में आप कोई सॉल्यूशन को हीट कर रहे होंगे, उसको हीट करने के बाद इसके माउथ से मान लो एक गैस लिबरेट कर रहा है, उस गैस का नाम है HCl गैस, और तुमने क्या किया एक ब्लू कलर के लिटमस पेपर को लेके आया, जब इस गैस के सामने लाया गया ये एसिड है ना, फिर भी इसका कलर चेंज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि HCl अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो ही नहीं कर रहा अभी, ये शो करता है एसिडिक प्रॉपर्टी को ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, तो गैस में वाटर होगा नहीं इसलिए शो नहीं करेगा, मींस चेंज नहीं करेगा, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। चलो तक हो गया तक ना, सब चीज लिखाना पॉसिबल नहीं, बस बोल दिया मैं, और इस वजह से तुम लोग बोलते हो फिर हम सोचना बंद कर देते हैं, शांत रहोगे तब सोच पाएंगे, ये हो गया भूल भी गया, अच्छा क्वेश्चन आया दिन गलत दिन छुट्टियां निकल गया, छुट्टी आएगा शांत रहोगे, ठीक है, हटाओ उसके आगे तो बढ़ेंगे, इट्स सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल कंडक्ट करंट, इसका सॉल्यूशन कंडक्ट करेगा किसको, करंट को कंडक्ट करेगा, क्योंकि आयंस में टूटता है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करंट को कंडक्ट करेगा क्योंकि आयंस में टूटता है, ठीक है, याद रहेगा, तीन पॉइंट हुआ, चौथा पॉइंट अभी आपको जो हम कहे थे वही थी माइंड में, देखो जितना भी एसिड था अगर आपको याद होगा थोड़े थे सब में H प्लस आयन कॉमन था, एग्जाम्पल व्हाट इज कॉमन ऑल द एसिड, बोलना H प्लस आयन इज कॉमन ऑल द एसिड, व्हाट इज कॉमन ऑल द बेस, ठीक है, जितना भी एसिड सब में H प्लस आयन कॉमन है और जितना भी बेस है सब में OH माइनस आयन कॉमन है, फिर एक तो मुझे एग्जाम पूछेगा आपसे कि OH माइनस आयन अगर कोई सब्सटेंस में है तो क्या वो बेस कहलाएगा, नहीं नहीं कहलाएगा,
OH माइनस आयन नहीं, OH आपका मॉलिक्यूलर मान लो C2H5OH ये अल्कोहल है, C2H5OH अल्कोहल है। इस अल्कोहल में OH है तो क्या इसको बेस कर देंगे? नहीं कहेंगे बेस, बेस वही कहलाएगा जो आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड मतलब जिसमें एक मेटल है, सिर्फ एक को छोड़कर एक्सेप्शन एक है NH4OH NaOH KOH CaOH all 2 ठीक है, ठीक है ना। आगे MgOH all 2 ठीक है, क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है ठीक है। और आपका इसके अलावा लिख दिया कोई C2H5OH, तो लिख दिया C6H12O6। देखो यहां से इसको आप भूल से भी बेस मत कहोगे, क्योंकि बेस के लिए मेटल का होना अति आवश्यक है, तभी आयन टूटेगा। ये सब में सुने मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, बट ये मेटल है क्या? सी नहीं, एच नहीं, ओ एच भले है बट इसको बेस नहीं कहेंगे। इसका मतलब जिस भी सब्सटेंस में ओएच दिखाई पड़े वो बेस होगा? नहीं होगा, बेस वही होगा जो एमडी कंपाउंड होगा, मीन जिसमें एक मेटल होगा। देखिए C6H12O6 ग्लूकोज सर, ग्लूकोज में एच है, क्या इसको एसिड कर देंगे? नहीं कहेंगे। एसिड वही होगा जो एच प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, क्या ग्लूकोज का सॉल्यूशन करंट कनेक्ट करेगा? एग्जाम में कुछ नहीं पूछता है, डज द ग्लूकोज सॉल्यूशन या अल्कोहल सॉल्यूशन विल कंडक्ट करंट? नो, एसिड का सॉल्यूशन करंट को कनेक्ट करेगा क्योंकि आयन में टूट जाता है। कहोगे क्यों सर करंट निकल रहा है? तो बात आप फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे आई इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़े हो, क्यू क्या है? चार्ज, चार्ज के आयन, चार्ज फ्लो करता है तब बनता करंट, चार्ज फ्लो करता है तब बनता करंट ठीक है। तुमने क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर में ग्लूकोज का ले लिया सॉल्यूशन और एक बैटरी के थ्रू, एक बैटरी मान लो यहाँ पर है ठीक है, और यहाँ पर एक बल्ब है और उसको डुबो दिया दोनों इंच को ग्लूकोज सॉल्यूशन में, ग्लूकोज के सॉल्यूशन में हमने दोनों को डुबो दिया, क्या बल्ब ग्लो करेगा? बल्ब विल नॉट ग्लो, एक्टिविटी पूछता है कई एग्जाम में, बल्ब विल नॉट ग्लो, व्हाई? ग्लूकोज सॉल्यूशन में आयंस नहीं, आयंस रहेगा तब तो आयंस का फ्लो होगा प्लस माइनस से प्लस की ओर, करंट फ्लो करता प्लस से माइनस, माइनस आयंस फ्लो करता है माइनस से प्लस, पढ़े हो ना। जब आयंस ही नहीं तो फ्लो होगा? नहीं होगा। आयंस होगा तब जब टूटेगा, ये टूटेगा ही नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड टूटता है ना, कोवेलेंट कंपाउंड टूटता नहीं है, इसलिए करंट को कंडक्ट नहीं करता, मींस ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ आयन इट विल नॉट कंडक्ट करंट। ग्लूकोज हो या अल्कोहल हो वो करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, या शुगर सॉल्यूशन हो, शुगर मींस चीनी का घोल भी, चीनी का घोल मतलब कहोगे C12H22O11 पढ़े हो ना, ये चीनी है C6H12O6 ग्लूकोज है, ये दोनों आपका करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, बशर्ते कि पानी कैसा हो? डिस्टिल्ड वाटर। अब पानी टैप वाटर यूज करोगे, मिला दोगे चीनी उसमें तो पस कर जाएगा, टैप वाटर में आयन होता है क्योंकि मिनरल्स की जरूरत हम लोग की बॉडी को होती है, उसको पीते हैं हम लोग उसके थ्रू ठीक है ना। टैप वाटर में करंट पास, आपको टैप वाटर लिए है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा, बोला कि यू हैव टैप वाटर एंड यू डिजॉल्व टू अ स्पून ऑफ शुगर, देयर इज कनेक्ट करंट, यस करेगा। ग्लूकोज या चीनी के कारण नहीं कर रहा है, उसमें टैप वाटर में आयंस है उसके कारण कर रहा है ठीक है। यानी किसी पानी और चीनी में घोल लिखा होगा तो कर लोगे, डिस्टिल्ड वाटर वहां होगा तब नहीं करेगा ठीक है। डिस्टिल्ड क्या बोलो, हाँ करेगा। इतना बार तुम लोग पढ़ाए हैं, हम लोग के बॉडी को आयंस चाहिए, मिनरल्स चाहिए, क्या जो आप कैंट लगाते हो उसमें मिनरल नहीं होगा? बिना मिनरल के रह ही नहीं पाएंगे हम लोग, लोग बड़े ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा, वो मिनरल को कभी निकालता नहीं है, क्या वो मिनरल को निकालता नहीं है, उसमें जो हार्ड सॉल्ट होता है वो उसको निकालता है ठीक है। मिनरल को निकाल देगा बॉडी का ग्रोथ बंद हो जाएगा, ठीक है। देखो पहाड़ का पानी तुरंत हम लोग के फूड को डाइज करता है ना, क्यों करता है? तो उसमें मिनरल्स की अमाउंट बहुत अधिक होती है ठीक है। देखते हो गए पहाड़ का पानी से तुम्हारा खाना बनाओ, खाना तुरंत बन जाता है, वो उसको डाइजेस्ट, उसको तोड़ने का क्षमता ज्यादा होता है। हम लोग का आप सुनोगे, हम लोग का बॉडी जो होता है वो एंजाइम्स निकालता है डाइजेस्ट करने को,
तो उसमें पहले से इतना होता है मिनरल्स कि उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, खाना तुम बनता है पानी में भी फ्यूल कम लगेगा और फूड को डाइजेस्ट भी फास्ट में करेगा। साथ रहोगे? ये सब चारों क्वेश्चन तो आपको हम बोले नहीं है लेकिन सब सुन लोगे। एग्जाम में क्वेश्चन, ये बुक में क्वेश्चन एज किया गया है, डज ग्लूकोज वाटर सॉल्यूशन विल कंडक्ट करेंट? नो, बशर्ते कि पानी डिस्टिल्ड हो। सॉल्ट सॉल्यूशन करेगा? हाँ करेगा, सॉल्ट यानी कंपाउंड। ग्लूकोज नहीं करेगा, शुगर नहीं करेगा, अल्कोहल नहीं करेगा, ठीक है? क्यों नहीं करेगा बोल दिए, आयरन सॉल्ट इसको नहीं करेगा। अब एक और क्वेश्चन, अरे तुम लोग क्यों बात करते हो? अब मान लो तुमने एसिड लिया दो टाइप का, एक बीकर में, सपोज करो इस बीकर में तुमने लिया HCl एसिड, इस बीकर में तुमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और इस बीकर में तुमने लिया एक एसिड को जिसका नाम है CH3COOH, तो एसिड ही है। हम सब जानते हैं यह स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड, दिखाएंगे सबको जैसे हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और वीक। जितना भी मिनरल एसिड है सिर्फ एक को छोड़कर के साथ बाकी सब क्या स्ट्रॉन्ग है, तो वो कौन एक छोड़कर? कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड को एसिड रेन का भी एक काउंट मानते हैं, जानते हैं क्यों? क्यों? मान लो ये छत है, छत नहीं है आसमान है, आसमान से पानी टपक रहा है, पानी जो गिर रहा है वो पानी मान लो अभी बिल्कुल H2O प्योर है, प्योर कर रहे हैं, डिस्टिल नहीं कर रहे हैं इसको, प्योर कर रहे हैं, प्योर पानी गिर रहा है। रास्ते में मान लो नीचे में शहर दिल्ली बसा हुआ है, दिल्ली शहर हाईली पॉल्यूटेड है, काफी इंडस्ट्रीज वहां पर है, काफी व्हीकल्स है, सारे राजनेता वहां पर है, तो वहां से क्या होगा? जितने वैकल्स हैं सबका कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उठ करके ऊपर जाएगा, बारिश की बूंद नीचे आएगी, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो बना देगा H2O+CO2 कंबाइंड टू फॉर्म व्हाट? H2CO3, इसी को कहते हैं कार्बोनिक एसिड, इसका यूज कोल्ड ड्रिंक में भी करते हैं, ठीक है? लगेगा ना कोल्ड ड्रिंक करता है इसका यूज। H2O+SO2 अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H2SO3। यह सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड। एसिड रेन के लिए पॉसिबल काउ जो है दो गैस है मेनली, एक SO2 और एक CO2। SO2 अगर वाटर से कंबाइन किएगा तो बनाएगा H2SO3, नाम क्या है इसका? सल्फ्यूरस एसिड। और ये करेगा क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड, नाम क्या है? H2CO3। ये दोनों एसिड रेन का ही काउ। क्या बोले? ऑनियन में एसिड कौन सा होता है ये तो आपको सर्च करना पड़ेगा। टमाटर में बोले बोलेंगे हम ऑक्सैलिक एसिड, भिंडी में कौन सा होता पता हम क्यों ना, सल्फ्यूरस नहीं, सल्फ्यूरस नहीं होता हमारे पास, एसिड होता है भी पता भी नहीं हमको, हो सकता है पता नहीं क्या भूख दिया हुआ नहीं है, ठीक है? शांत रहोगे? ये हो गया था ना, शांत रहोगे तुम लोग क्यों भी नहीं बोलते हो? आधा मैं टाइम से इनको बाल ज्यादा ज्यादा रहो, शांत रहो, शांत रहो, पढ़ स्कूल ना सर, शांत रहोगे ठीक है? देखिए अब कुछ ज्यादा बोलते हो तो बड़ा बोलते हैं, आज बन गया हमें। अब देखो एक चीज पढ़ा रहे आपको हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये तुम लोग को नहीं पढ़ना है लेकिन इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, हो सकता है इस बार का। अल्फा एनसीईआरटी एग्जाम्पल दिया हुआ है पढ़ाने आपको, अल्फा शायद कोई नहीं पढ़े मुझसे, अल्फा क्या होता है? अल्फा को कहते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, या इसी का नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है? अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एकदम ध्यान से लोगों को दिक्कत नहीं होगा, देखो कोई भी एसिड इसका फॉर्मूला भी होगा और इसका वैल्यू भी होगा, वो वैल्यू याद सबका नहीं करना है, बस उसका एक लिमिट है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लिमिट है? ठीक आराम से, कोई भी एसिड, शांत रहोगे बिल्कुल, कोई भी एसिड
स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है सब जानते हो H2SO4HClHNO3। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग में आता है। और आइए स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग कहते हैं कौन सा एसिड, मिनरल एसिड, जो हम लोग को मिनरल्स ऑफ अर्थ से मिलता है। वीक एसिड को बिल्कुल हम सिंपल में ध्यान रखना जो बोल रहे हैं, वीक एसिड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड इज दैट एसिड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। इन सबका फॉर्मूला सब याद करना पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ याद रखिएगा। जैसे CH3COOH ये एसिडिक एसिड है, इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, विनेगर में करते हैं, ठीक है। और इसका यूज करते हैं हम लोग कोई चीज पिकल्स हो गया, चौमिन हो गया, सब में करते हैं HCOH ये आपका फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड जब चींटी काटती है तो हमारे बॉडी में इंसर्ट करता है, ये फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा ऑक्जेलिक है, टेट्रिक है, बहुत सा और भी है, मैलिक है, उस नाम भी यार हमको बोला नहीं इसका है, बस इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लैक्टिक भी है, लैक्टिक एसिड भी है, बहुत सा एसिड भी है, शांत रहोगे बाकी। तो जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, उसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, इसका एक्सप्रेशन। अब कहोगे सर कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि मान लो एकदम ध्यान समझोगे सीख जाओगे आसान अपने आप रहेगा। मान लिया जाए आपने यहां 5HCl लिया था, ठीक है, तुमने 5 मॉलिक्यूल्स HCl कर लिया, इसको अपनी तरह सिखा रहे हैं हम अपने लैंग्वेज में, 5 HCl लिया और इस 5 HCl में तुमने क्या दिया, वाटर में इसको डाल दिया। जब तक वाटर में डालेंगे नहीं तब तक टूटेगा नहीं, टूट गया है इस तरह से कि 5H प्लस बन गया और 5Cl माइनस बन गया, बनेगा भी। इसका मतलब क्या हो, जितना मॉलिक्यूल्स हमने लिया था एसिड का लगभग क्या पूरा एग्जैक्टली उतना ही मॉलिक्यूल्स आयन से टूट गया, ठीक है। ऐसा किसमें होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड है सबो में लगभग में ऐसा ही होगा, जितना मॉलिक्यूल्स हम एसिड का लेंगे और पूरा मॉलिक्यूल उतना ही आयन में टूट जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल ले रहे अपने मन से, हम मान लो हमने 5CH3COOH लिया था, वाटर में डाला इसको, 5CH3OH टूट करके आपका कभी भी 5CH3COO- और 5H+ नहीं बनेगा, यहां पर हो जाएगा आपका 3, यहां हो जाएगा 3, दो बिना टूट रह जाएगा, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स जो आप देखे, 3 टूट गया ना, 3 टूट गया और दो पीस जो इसका है 2CH3COH वो रिमेंस अनब्रोकन रह जाएगा। तो वैसा एसिड जिसमें पार्शियल डिसोसिएशन हो, कुछ टूटे कुछ ना टूटे, उसी को कहते हैं लोग क्या, ठीक है। ये किसमें होगा, ऐसा घटना इसमें होगा, इसमें पूरी तरह से लगभग टूट जाएगा, लगभग टूट जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या बोले, क्या बोले, ठीक है, ये मतलब लगभग टूट जाएगा, ये पार्शियल टूटेगा, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन जिस एसिड का होगा, पार्टिकल्स का, आयंस का, उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें कम होगा पार्शियल होगा उसे भी कहेंगे। एक ये हो गया, अभी फॉर्मूला बनाएंगे इसका, फॉर्मूला के अल्फा का मान निकालेंगे, इसको मिटा दें, लिखोगे घर में सभी वीडियो देख नोट करना, टाइम थोड़ा बाद जाएगा आपका, अभी हमारा पढ़ने का गति ऊपर मिल जाएगा। देखिए अल्फा जो आपका है, अल्फा का फॉर्मूला होता है बात नहीं, अल्फा जिसको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुल मॉलिक्यूल्स की संख्या लेंगे नीचे, ऊपर लेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ, ऊपर जितना आयंस आपको मिला वो बोलो, यहां पर मॉलिक्यूल कितना लिए थे हम लोग, अल्फा ऑफ HCl, HCl का, HCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कहते हैं अल्फा HCl,
विच दिस रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ व्हाट HCl, अल्फा ने HCl, नीचे हम लोग कितना लिए उसका हम लोग 5 और कितना H प्लस बना 5, 5 बाई 5 कट कितना हो गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केस में अल्फा जो होगा वो टेंड्स टू वन मतलब क्या, एक के लगभग करीब होगा, एक पहुंचने ही वाला है वो, ठीक है, ऐसा होगा। अरे चकली मन नहीं करें, कुछ कुछ हो रहे टूडे, ठीक है। मिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन स्ट्रॉन्ग एसिड इज नियरली इक्वल टू वन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फॉर वीक एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ये किसकी बात की है, बी एस अल्फा एस, और ये क्या हो गया अल्फा डब्ल्यू, वीक के लिए लेस देन क्या होगा, ठीक है। अल्फा का मान 1 किसके लिए होगा, 1 होगा स्ट्रॉन्ग के लिए, और अल्फा का मान 1 से कम किसके लिए होगा, ठीक है, और अल्फा का से किसको है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर्मूला क्या है, एक और एग्जांपल ऑर्डर मान लो कि अगर इसकी बात करें, क्यों अल्फा अपना इसे कम, यहाँ 5 था नीचे 5, ऊपर में क्या आएगा 3, 3 बाय 5 का मान 1 से कम नहीं है, 3 बाय 5 को 0. समथिंग का हो गया, 1 से कम आ गया, ठीक है, इसी लिखा गया, याद रहेगा ना। अल्फा का फॉर्मूला क्या है इसको ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है वो याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग और बेस में अल्फा का मान क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू भी सबका होता है, एग्जैक्ट वैल्यू भी सबका होता है, उतना आपके बुक में दिया हुआ नहीं बुक में तो, लेकिन आपको फिर भी याद रखना पड़ेगा। अल्फा का मान 1 से कम स्ट्रॉन्ग वैल्यू के लिए, एक लगभग एक टोटल नंबर ऑफ आयंस मतलब एस प्लस एन, ठीक है, एसिड के लिए बेस में क्या होगा, ठीक है, छोटी बात है इसका ठिकाना तो ही नहीं ना, मिटाएंगे इसका ना, चाहते लिख दो सबके पास बनता है, ऑयल नहीं हो आजकल सबके पास ऐसा ही नहीं करना, बहुत ऐसा अभी भी फैमिली नहीं बोल रही हमारे, शांत रहोगे, शांत रहोगे बिल्कुल, ये भी अगला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करेंगे, तुम पूछा है उसी टॉपिक में आएगा, अल्फा का मान कब कम होगा कब अधिक होगा, फॉर्मूला आपके सामने है निकाल सकते हो, और तो क्वेश्चन रहा तो ऐसा देखो, नेक्स्ट ब्राउन टॉपिक बेसिक सिटी ऑफ एसिड, अभी हम लोग सिर्फ एसिड पे काम कर रहे हैं, बेसिक सिटी ऑफ एसिड सब पढ़ाए क्या हो, देखिए टॉपिक है बेसिक सिटी ऑफ एसिड, जब बेस पढ़ाएंगे तो होगा एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है, जब बेस पढ़ाएंगे तो क्या होगा एसिडिटी ऑफ बेस, सुनो क्यों क्या होता है, शांत रहो फिर मान लिया जाए, सबसे पहले क्या पूछा, ये होता क्या सर, देखो कोई एसिड अपना H प्लस आयन रिलीज करता है, वाटर एच प्लस आयन वो किसी को देता है, कब, जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस से, सही बात, जैसे HCl तुमने लिया एसिड, HCl तुमने लिया एसिड एक्वस फॉर्म में मतलब पानी का में, NaOH भी तुमने लिया है बेस, ये भी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, सही है, ठीक है ना। अभी ध्यान दें यहां पर,
हम मैं पहले सब रिएक्शन दिखा देते हैं ताकि समझाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा, नोट डाउन भी कर लो। CH3COOH एक्वस एम बार बार करे आवाज, जो तुम लोग कर रहे हो अभी बात सुन जाओगे हमसे, ऐसा नहीं गुस्सा हमको नहीं आता है। हम चाहते कितना फास्ट में कितना ज्यादा सिखा दें, तुम लोग चाहते हो कितना ज्यादा बात कर लें। तुम लोग कहां से हम बुक निकाल रहे हैं खोज के हम जान रहे हैं क्या जी राहुल? हम लोग को पढ़ने उठने पड़ता है। हमने कहा नंबर ऑफ बेस सिटी का मतलब लिखो क्या होता है, इट मींस द टोटल नंबर ऑफ, इट मींस द टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एसिड। अभी आप लोग कुछ भी समझे इससे नहीं होंगे, समझ गए क्या समझ लो पता तक हुआ पूरा क्या समझे? एक ही हार्ट एक बढ़ा रहोगे इससे एक ही एच निकला आपको मालूम कहां चल गया? हाँ इस रिएक्शन में बताओ कैसे तुमको मालूम चला कि इसने एक ही एच लॉस किया अपना? इस रिएक्शन को देख के बताओ इसमें कैसे मालूम चला कि इसने तीन एच को लॉस किया? सोचो इस तरह से हेटरोजिप में, ठीक है अधिकांश सही अच्छा करता है राइट एंगल स्क्वायर में सब रट के ले था बस आता कैसे उस मतलब नहीं बस रट लिया ऐसा होता है ड्रॉ करना है पैरेलल बस क्यों करना पता नहीं सिंपल अंदर हो गए बात नहीं। इसको मोनो बेसिक, इसको मोनो बेसिक, इसको डाई बेसिक, इसको ट्राई बेसिक। देखो जो एसिड एक एच अपना देगा वो मोनो बेसिक, जो दो एच देगा वो डाई बेसिक है, जो तीन एच देगा वो ट्राई बेसिक, ठीक है ना बेसिक नहीं था मोनो डाई ट्राई। चलिए आगे देखिए मोनो यहां पर ये एसिड था आपके पास HCl, रिएक्शन से पहले आपके पास जो आप देख रहे हैं HCl में आपके पास कितना एच है? एक एच। इसने अपना एक एच दे दिया क्या बन गया ये H2। और इतना ये अपना एक एच दिया किसको? Na। ये अपना Cl दिया Na को, OH एक एच दे क्या बना दिया H2। क्लियर करते हैं थोड़ा सा समझना पड़ेगा बिजनेस बुक में सारा रिएक्शन बैलेंस है ना ये H+ देगा ये किसमें नेटवर्क नहीं है पानी है टूट गया एनएच प्रोडक्ट किसमें Na+ OH- OH- क्या बना दिया ये H2O और ये क्या बन गया CH3COOH। मैं आपको पढ़ाए थे ये टूटता किसमें है ये टूटता है CH3COO- H+ और ये प्रोडक्ट किसमें
NaOH Na प्लस और क्या ये दोनों मिलकर H2O ये यहाँ आ गया ठीक है। इस तरह देखो फिर H2SO4 है H प्लस SO4 2 माइनस और ये क्या हो गया Na प्लस OH माइनस तो ये दोनों मिलकर क्या H2 बना दिया और Na2 उसे यहाँ बन गया। बट हमको चेक करना है कि इसने तीन एच अपना लॉस किया कैसे ये हमको शो करना है समझना है ध्यान देना है शो करना है कैसे इसने अपना तीन एच दिया ये आपको समझाना है। तो किस तरह जाओ तो हिंट कर रहे हैं सुनो में बोल रहे हैं बगल में क्वेश्चन हिंट किया है बगल में एक डार्क पॉइंट आया है तो क्या बोलो सुनोगे सुनोगे ध्यान से ध्यान तो जो तुम बोल रहे हो उस चीज को काटा है बात नहीं देखा बेसिक सीटी ऑफ एसिड डज नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एच प्लस आयन प्रेजेंट इसमें एच प्लस एक था इसमें एक था इसमें उसके एच की संख्या पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि एच दो है हो गया एच तीन को है प्राइमेसिक उस तरह से यहाँ देखो एच एक को है मोनोबेसिक सब तो कर रहा है बट ये नहीं कर रहा देखो एच कितना है तीन एक चार एच फिर क्या है ठीक है लॉस एक कर रहा है उसको रिएक्शन में समझोगे कैसे रिएक्शन से बताओ कि एच उसके पास इतना था वहां इतना हुआ मैं पूरा पढ़ रहा सुनोगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एसिड सी एच थ्री एच फोर आइटम्स बट ओनली वन इज रिप्लेस्ड इट इज मोनोबेसिक फास्फोरिक एसिड एस थ्री प्योर फोर एस थ्री एस एटम एंड ऑल ऑफ देम कैन रिप्लेस एंड देन व्हाई इट्स कॉल्ड ट्राइबेसिक देखो ध्यान देना रिप्लेस से मतलब है ना कि उसके एस से मतलब है तो आपको कहेगा कि ये एच सी ओ एच है इसका कितना है बेसिक सी डी क्या बोलो दो बोल दोगे नहीं एक बोलना है मतलब कितना वो लॉस किया एक मॉलिक्यूल पर एक लॉस किया तो एन ये है चार बट ये सी एस थ्री तो रिमेन से ही रह गया दिया कौन सी ठीक है यहाँ पर था कितना दो तो यहाँ पर कितना दोनों दे दिया अपना दोनों एस दे दिया तब तो बना आपका एन ए टू एसो यहाँ पर था कितना तीन दे दिया ठीक है मतलब यहाँ पर मतलब है कि एक और इसका तरीका था माइंडेड नहीं आ रहा है रिएक्शन से बाहर चलता है रिएक्शन देख कर तुम काउंट को जितना शुरुआत में था उधर एक कम गया एक बढ़ गया जो भी है इस टाइप से वो थोड़ा माइनस एट नहीं कर रहा फिर भी कलम बताएंगे ठीक है। फिलहाल ध्यान रखोगे जितना एच लॉस करेगा वो उसका बेस जुटी है ठीक है जितना एच है वो नहीं है एच यहाँ चार है फिर भी क्या बोलेंगे इसका एक ही बोलेंगे ठीक है ना नोट कर लोगे इसको नोट करना क्या है